अभी ये वन अधिकार के तहत जो है हम लोग 2006 में जो कानून लागू हुआ उसके तहत जो लड़ रहे हैं अपने हक का, अपने जमीन का, और उसी कारण जो अभी हम जेल से निकले हैं, एक महीना मुझे निकलने हो गए। ये जेल जुर्माना जो है हम लोग के डरवाते हैं, तो इनसे डराना तो नहीं है। जमीन हमारा है, जंगल हमारा है, पेड़ पालो हमारा है। कोई सरकार ने बनाया है कि ये सरकार ने जो चाहती है कि हम भूमि अधिग्रहण करेंगे? न जमीन को बनाया, न जंगल को बनाया, न नदी को बनाया, न कन्हर को बनाया। तो हम ये अधिकार के तहत अपने लेंगे जंगल जमीन और छोड़ेंगे नहीं। अब ये जेल डालने के लिए उन लोग सोचते हैं कि इन लोग डरेंगे, जेल भी वो धरती माँ ये तो हमारा ही है ना, उसको तो डराएंगे नहीं, वो भी हमारा है, उसको भी हम कब्जा करके बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो सरकार को थोड़ी देखना है कि जेल डाल दिए तो जेल के अनुसार जो है डर जाएंगे लोग। सरकार बोलती है कि नहीं, इन लोग पढ़े लिखे नहीं आदिवासी हैं, इनको भड़का कर और जो है इनको बहला फुसला के लोगों को कहना कि उत्साहते हैं, अपने हक के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, किसी के बाप का नहीं है। कहे जंगल अपने आप का, किसी के बाप का नहीं। तो जैसे संविधान को बचा रहे हैं, वैसे धरती माँ है, महिलाएं जो माँ बनते हैं वैसे धरती माँ है। ये माँ अति नहीं रहेंगे, ये माँ नहीं रहेगी तो हम लोग फिर जिंदा रहने का कोई आवश्यकता नहीं, कहीं हम लोग के रहने के जगह नहीं है। तो धरती माँ को हम लोग बचाएंगे, ये सरकार को कोनो डरवाने से हड़काने से हम लोग हड़केंगे ना, डराएंगे नहीं। धरती माँ चाहे कन्हर नदी हो, संविधान हो, इसको अपने बचाए रहेंगे तो हमारा देश हमारे पास। कहे सरकार को हड़काने डरवाने, अब ये संविधान को ख़त्म करने के लिए उनके औकात नहीं है, वो हमारा है, हम उसको मालिक तो हम हैं, जमीन के मालिक हम हैं, देश को मालिक हम हैं। उनके हम बैठाए जब कुर्सी में तो उनको उतारने के औकात हमारा है कि नहीं है दीदी? उनको जब कुर्सी देना हम लोग का है तो हम कुर्सी से उतारने का भी हक है, उनको पटकने को भी हक है। अब जो है समय आ गया 2019, अब ये सरकार को सबक सिखाना है कि कुर्सी में बैठ के आप जो है क्या कर रहे हैं अत्याचार। कहे अत्याचार अब नहीं बर्दाश्त होगा, ये नहीं सह पाएंगे, ना सहेंगे ना उसको अत्याचार करने देंगे। अभी जेल से हम निकले, जेल 5 महीना रहे, 5 महीना में वो सोचे कि हम इसको डरवा धमका के रखेंगे। लखनऊ से कहना हम वापसी जा रहे थे, रास्ते में वो चोर बन के मुझे उठाया, सीना जोरी होता तो बुलाता, बात पूछते हमसे, बाकी वो चोर जैसे पीछे से आके मेरे सामान को हाथ लगाया, लेट के जेल में डाला। 5 महीना हम अपने जल जंगल जमीन को लड़ाई को समझिए कि वहाँ का जेल के खाना रोटी नमक तेल कुछ भी नहीं खाए। हम अपने ताकत, ये धरती माँ को ताकत और सरकार को शपथ सिखाने के लिए हम जो ताकत बाहर निकले कि 5 महीना हम पीने नमक तेल के वे अनाज को थे कि अपने संग साथी जो भी फल फूल देते वही हम 5 महीना खाए। तो हम ताकतवर हैं कि सरकार है? हमारे साथ हमारे बराबरी करके आप देखे कि वो कैसे शपथ उसको सिखाना पड़ेगा। हम तो छोड़ेंगे नहीं, ये लड़ाई हम जीत के निकले हैं, जेल से भी जीत के निकल गए हैं। वो हमको हरा नहीं पाया, न हमको दबा पाया। तो भैया दीदी आप लोग जो है आप लोग डरिएगा नहीं, ये संविधान को और जंगल जमीन ये सब हम लोग अपना बचाएंगे,
अब लेके रहेंगे। कहे जंगले जंगल